बिश्केकिस्तान में पाकिस्तानी तलबा अदम तहफ़ का शिकार, वतन वापसी का आगाज़। बिश्केक से खसूसी परवास 30 तलबा समेत 180 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मजीद परवाजें चलाने का फैसला। आज मजीद दो खसूसी परवाजों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज लाहौर, दूसरी इस्लामाबाद पहुँचेगी। दोनों परवाजें आज शाम तक पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान। वज़ीर आज़म का वज़ीर खारजा इसहाक डार को किर्गिस्तान भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमराह होंगे। दोनों वज़रा आज किर्गिस्तान पहुँचेंगे। इसहाक डार और अमीर मकाम आला किर्गिज सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के हवाले से मामलात का जायज़ा भी लेंगे। किर्गिस्तान में तलबा ग्रुपों में लड़ाई और हंगामा आरई। मकामी अफराद के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। मुश्ताइल अफराद हॉस्टल्स और गैर मुल्कियों की रहायश गाहों में घुस गए, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, तलबा पर तशद्दुद भी किया। दारुल हुकूमत बिश्केक में हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त, झगड़ा मकामी और मिस्री तलबा में हुआ। पाकिस्तानी तलबा जद में आ गए। जंग से ताल्लुक रखने वाली तहरीम नासिर अपनी क्लास फेलोज के हमराह बिश्केक में फंस गई। अपने खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है, जत्थों की सूरत में हमला किया जा रहा है। तहरीम नासिर का वीडियो पैगाम। फैसलाबाद, जंग, शुजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले शहरी भी हॉस्टल्स में महसूर। वालिदैन की हुकूमत से तलबा का महफूज इनखला यकीनी बनाने की अपील। किर्गिस्तान में फंसे तालिबे-इल्म हॉस्टल खाली कराने लगे। हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जा रहा है कि जाएं तो जाएं कहां, पाकिस्तानी तालिबे-इल्मों को शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म का किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, यकीनी बनाएंगे कि तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहें, सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक रब्ता। हसन अली ज़ैगम ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। बिश्केक में मकामी शहरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। किर्गिज हुकूमत के मुताबिक हमलों में 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अस्पताल में शाहजेब से मुलाकात की। किर्गिज हुकूमत ने गैर मुल्कियों के जान माल का तहफ़ यकीनी बनाने का यकीन दिलाया। शहरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 4 अफराद पकड़े जा चुके हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिबे-इल्मों की सूरत हाल पर सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़ का मुतालबा, सूरत हाल पर काबू पा लिया। पुलिस तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तशद्दुद के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी। पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार। किर्गिज़ सफारतखाने के नाज़िम-उल-मुल्क की डिमार्श के लिए दफ्तर खारजा तलबी। किर्गिज़ हुकाम का तलबा पर तशद्दुद के वाकयात पर इजहार अफसोस। तहकीकात कराने और कसूर वालों को सजा देने की यकीन दहानी। पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफीर किर्गिज़ हुकाम के साथ रबते में हैं। तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा। बानी पीटीआई ने पेट में झुरा घोंपा, तावुन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। बानी पीटीआई से कहा मुल्क के लिए मिलकर चलें। उसके बाद बानी पीटीआई जनरल ज़हीरुल इस्लाम और ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाया गया। मुझे समझ नहीं आई इन्होंने क्यों धरने शुरू किए, इनको कहां से इशारा मिला ये तो बताएं। नवाज शरीफ के फिर से गिले शिकवे। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ को हटाना है और बानी पीटीआई को लाना है। साकिब निसार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो का एहतसाब नहीं होना चाहिए? मेरे खिलाफ एजाजुल अहसन को मॉनिटरिंग जज बना दिया गया था। एजाजुल अहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए?
जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं आपने जायदादें कहां से बनाई। मुजाहिर नकवी को भी नैब में डालना चाहिए, आप भी नैब भुगतें, हमने भी भुगता है। आपके पास मुझे पार्टी सदारत से हटाने का क्या इख्तियार है। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगने का मंजर क़यामत तक नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा करके जुर्म किया गया। सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ चलें, नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर रखा है। नवाज शरीफ की खिदमत कौम कभी नहीं भूल सकती। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्तफ़ी। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। राना सनाउल्ला चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल का इजलास होगा जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। NA-148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। हल्के में मजमू तौर पर 6 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला। मुतवल के पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। 2,33,624 मर्द, 2,10,607 खवातीन वोटर्स हैं। नशीद यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। नए केस में 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का इंकशाफ। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन के बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फ़ायदा पहुँचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10,09,20,000 रुपये लगाई गई। 20% रकम 2,01,78,000 रुपये सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। इंक्वायरी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शेराजी, शहजाद सलीम शामिल। मुसद्दिक ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी भी काउंसिल का हिस्सा। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ आईटी सिटी का इफ्तिताह कर दिया। आईटी सिटी दुनिया के डिजिटल मार्केट को पाकिस्तान से कनेक्ट करेगा। यहाँ हमारे नौजवान को आला तालीम के मौके भी मिलेंगे। चाहती हूँ बच्चे अपने पांव पर खड़े हों। पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। हमें नौजवानों की सलाहियतों को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना होगा। बच्चों के हाथों से लैपटॉप लेकर पेट्रोल बम और डंडे थमा दिए गए। आईटी सिटी में सरमाकारी के ख्वाहिशमंदों को मराद देंगे। हमने आईटी सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए ई बाइक्स की तरफ जाना होगा। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तोहिन अदालत केस का हुक्मनामा जारी। बादल नजर में फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल तोहिन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को वजाहत का मौका देते हुए शोकॉज़ नोटिस जारी किया जाता है। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया पर इल्ज़ाम लगाए। दोनों ने ज़ेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू की। पेमरा फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराए। दोनों रहनुमा आइंदा समात पर पेश हों। केस की आइंदा समात 5 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी।
गंदम बरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल ना कर सकी। ढाई हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने ना आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। 4 लाख टन इजाफे गंदम खरीदने का अमल भी शुरू ना हो सका। सरकारी नरखों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख, किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फीबोरी कीमत 6,000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शराब 15% रहने का इम्कान। रवा माली साल में महंगाई तकरीबन 26% होगी। आलमी बैंक की डेटा रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल मीशत की शराब 2.3% रहने का इम्कान। रवा माली साल में मीशत की शरह नमो 1.8% रहेगी। अगले माली साल में ज़रात और सनत की शरह नमो 2.2% होगी। करंट अकाउंट खसारा मीशत का तकरीबन 0.6% होगा। रवा माली साल मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान। सदर मुमलिकत की मियांवाली में शहीद बाबर खान न्यासी के घर आमद आसिफ अली जरदारी ने शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत की और फातह खानी की। सदर मुमलिकत की शहीद के बुलंदी दर्जात और वर्षा के लिए सब्र जमील की दुआ। शहीद को वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत। पूरी कौम को आपके शहदा पर फख्र है, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। मेजर बाबर खान ने यूरोप में दहशत गर्दों के साथ झड़प में जाम शहादत नोश किया था। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतलिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायजा लिया गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड के बिजनेस प्लान के अमूर पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान के अवाम सऊदी वलीअहद के दौरे के मुंतजर हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी बरादराना दोस्ती सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में बदल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारतखाने आमद। सऊदी सफीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदीया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू और नवाबशाह में पारा 40 को छू गया। आज भी गर्मी अपने जोबन पर रहेगी। नवाबशाह का दर्जा हरारत 50 और दादू का 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 40 तक रहने की तवक्को। बहावलपुर में 46, मुल्तान में 45, लाहौर और जेहलम में पारा 43 तक जाने का इम्कान है। रावलपिंडी में दर्जा हरारत 39, इस्लामाबाद में 40 रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में कल मतला जुजवी अबरुज रहने का इम्कान। में पाकिस्तान में बैक्टीरिया की वजह से 60,000 अमवात हुई। आलमी इदारे सेहत का इंकशाफ, टाइफाइड, डायरिया और TB का बायस बनने वाले बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मुजाहमत पैदा हुई, जिसके बायस 2019 में इस बैक्टीरिया की वजह से दुनिया भर में 13 लाख अफराद की अमवात हुई थी। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि एंटीबायोटिक अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल इन अद्वियात को बैक्टीरिया के खिलाफ गैर मुअसर कर रहा है। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 7 हो गई, मुतादिद जख्मी। तूफानी हवाओं ने इमारतों की खिड़कियाँ उखाड़ दीं, कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए, घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। तूफान गल्फ कोस्ट से पड़ोसी रियासत की तरफ बढ़ गया। इंतजामिया के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।